अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ये पीपीटी मैंने खास तौर से ड्यूरिंग जो है कोविड ही तैयार किया था स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर से कि ताकि वो इसे देख पाएं और कैसे जो है यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को। तो ये मैं स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सपोज अगर ये कोई चीज़ मुझसे रह जाती है या उन्हें नहीं क्लियर हो पाती है ड्यूरिंग ये लेक्चर के दौरान, तो वो मुझे मेल भी कर सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप आराम से मुझे मोबाइल से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। और बहुत सारा बड़ा एक नेटवर्क है रिसर्च स्कॉलर्स का और फैकल्टी मेंबर्स का मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, जो रेगुलरली मुझसे इंटरेक्ट करते रहते हैं या मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो मैं बेसिकली इन ई रिसोर्सेज की बात करूंगा कि व्हाट इज ई रिसोर्सेज, और ई रिसोर्सेज में बेसिकली मैं ओपन एक्सेस ई रिसोर्सेज की बात करूंगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो आपको किसी न किसी मोड में हमें अवेलेबल करवाए जाते हैं। सर ने अभी जैसे दीप सर बात कर रहे थे एजी प्रॉक्सी के, हम भी एजी प्रॉक्सी यूजर हैं, तो हम भी ईजी प्रॉक्सी यूजर हैं और ईजी प्रॉक्सी के थ्रू हम जो है और इसका एक्सेस देते हैं जो भी हम सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन हम यहाँ भी सब्सक्रिप्शन की तो बात नहीं करेंगे, बेसिकली मैं अभी बात करूंगा कि ई रिसोर्सेज क्या है जो आप लोग यूज करते हैं, ई रिसोर्सेज वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन क्या एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है इसका, एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज डिफाइंड एज रिसोर्सेज इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट बेसिकली वन एंड टू, यानी सॉरी जीरो एंड वन की फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको टेक्निकली कंप्यूटर लैंग्वेज में डिजिटल कहते हैं, यानी जीरो और वन के सिंबल्स में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो हमें रिफ्लेक्ट करती है हमारे रीडेबल फॉर्मेट में, वो हम डिजिटल फॉर्मेट कहते हैं उसे। एक्सेसिबल इलेक्ट्रॉनिकली, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू हम उसे एक्सेस करते हैं, तो वह हमारा बेसिकली जो है जो कलेक्शन ऑफ डेटा है या फुल टेक्स्ट मटेरियल है या इमेजेस है, कलेक्शन है, न्यूमेरिकल है, ग्राफिकल है और टाइम बेस्ड डेटा है, ये सारी की सारी चीजें हमारी ई रिसोर्सेज बेसिकली कहलाती है, ठीक है। तो हम इन्हें इंटरनेट के थ्रू या वाया सीडी रोम या पेन ड्राइव पर जो भी मीडिया है, स्टोरेज मीडिया है या प्लेटफॉर्म है, शेयरेबल प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम इन चीजों को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने का बेसिकली तरीका, अभी तो ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोग सभी लोग ज्यादातर इंटरनेट या इंटरनेट के थ्रू, जो भी कैंपस में हम लोग इंटरनेट ऑफर करते हैं और बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इंटरनेट मिल रहा होगा, इंटरनेट के थ्रू इसे एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। ये कुछ टाइप्स मैंने लोकेट की हुई है कि क्या क्या ई रिसोर्सेज की फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स में बेसिकली सभी लोग जानते हैं जैसे कि ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, ई पिक्चर फोटोग्राफ्स हैं। एक फोटोग्राफ जो आपने प्रिंट लेकर अपने हाथ में ले लिया वो फिजिकल फॉर्मेट है, और दूसरा है ई पिक्चर जो आप देखते हैं, जो भी पिक्चर हमें कंप्यूटर मोबाइल जिसके भी थ्रू दिखाई दे रही, दैट इज ई पिक्चर और ई फोटोग्राफ। ई मैप्स, ये कंसेप्ट है बहुत, ई मैप्स सभी लोग अपने मोबाइल पर मैप्स का यूज करते हैं, दैट इज ई मैप्स। ई मैनुस्क्रिप्ट्स जो है, मैनुस्क्रिप्ट्स को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है ई फॉर्म में, तो वो हमारा जो है मैनुस्क्रिप्ट, ई मैनुस्क्रिप्ट कहलाता है। इसी तरह से आजकल लोगों ने ई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है, न्यूज़पेपर जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है हमें ई फॉर्मेट में जो है मिलता है हमारे मोबाइल फोन पर या हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप पर। ई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, अब क्या बिल्कुल नया कंसेप्ट है कि जितनी भी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होती है उसे ई फॉर्मेट में डिसमिनेट कर दिया जाता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को। डेटाबेसिस की बात करते हैं, तो डेटाबेसिस में भी हमारे सब कैटेगरीज होती हैं डेटाबेसिस में, एक फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग और स्टैटिकल एंड रेफरेंस डेटाबेसिस। फुल टेक्स्ट में जो भी आप इंफॉर्मेशन फुल टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सेस करते हैं, दैट इज डेटा फुल टेक्स्ट डेटाबेस। इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग के जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं या इस तरह के जितने भी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज हैं जो हमें डेटाबेसिस के थ्रू प्रोवाइड करती हैं, दैट इज इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस। स्टैटिकल डेटाबेस बहुत सारा अवेलेबल होता है, सर भी डिस्कस कर रहे थे दीप सर जो है कि स्टैटिकल डेटाबेसिस के बारे में, तो वो बेसिकली जो है स्टैटिकल कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट वन है हमारा रेफरेंस कैटेगरी। रेफरेंस कैटेगरी में हम वो टूल्स यूज करते हैं जहां पर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फुल फॉर्मेट में नहीं मिलती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का रेफरेंस मिल जाता है कि इन्फॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड बाय यू इट इज अवेलेबल इन, जहां पर भी आप ढूंढना चाहते हैं, जहां पर भी वेयर इट इज अवेलेबल एक्चुअली, तो वो कहां पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ये जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आती है हमारी ई रिपोर्ट्स। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ई रिपोर्ट्स जो है आपको दे रही हैं। ई
रिपोर्ट्स दे रही हैं, और ई रिपोर्ट्स के थ्रू जो है हम जो है उन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, जितनी भी आजकल रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कोई भी आपके पास में प्रिंट फॉर्मेट में अभी फिलहाल कोविड ड्यूरिंग कोविड जो है नहीं आ रही थी, वो हमें ई रिपोर्ट के फॉर्मेट में मिल रही थी। इसी तरह से ई मैगजीन्स जो हैं वो हमें मिलती हैं, ई पेटेंट्स, जितने भी वर्ल्ड में आप पेटेंट कराए जाते हैं वो सभी ई फॉर्मेट में मिल जाते हैं, ई स्टैंडर्ड, ई थीसिस और CD/DVD, ये सभी की सभी जो चीजें जो है वो जो है फोन बज रहा है, CD/DVD जो है वो उसमें जो है वो मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली जो है ई रिसोर्सेज के फॉर्मेट्स हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा वो है, ये मैं कुछ ई रिसोर्सेज की टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल ओवरलैप करती हैं, तो ये समझ में नहीं आता रिसर्चर्स को कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे रिसोर्सेज के बारे में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर रिसोर्स को हमें एक्सेस करना है और उस रिसोर्स में किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे मैं अभी बात करता हूँ कि सर ने भी बात कहा था पब्लिशर और एग्रीगेटर डोमेन, ये दो तरह के डोमेन होते हैं। इंडिविजुअल पब्लिशर डोमेन होता है, जैसे हम एल्सेवियर की बात करें, स्प्रिंगर की बात करें, ये सभी कैसे हैं, ये पब्लिशर डोमेन है। लेकिन अभी सर जो बात कर रहे थे जेगेट की बात कर रहे थे या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म से, वो दैट इज एग्रीगेटर, यानी तमाम सारे रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो डेसिग्नेट करती हैं वो हमारी एग्रीगेटर कहलाती है। एग्रीगेटर वो एक सिंगल, वो इटसेल्फ कुछ पब्लिश नहीं करती है, लेकिन तमाम सारे पब्लिशर्स के डेटा को एक जगह कलेक्ट करके आपको इजी वे में जो है डिसिमिनेट करती है और उसका जो फॉर्मेट है वो उसको इजी बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसोर्सिया बेस्ड डोमेन। कंसोर्सिया में बहुत सारे इंडिया में कंसोर्सिया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए कंसोर्सिया ओपन किए गए गवर्नमेंट इनिशिएशन से या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर इनिशिएशन से जो है, जैसे मैं अगर कंसोर्सिया की बात करता हूँ, जैसे इन्फिनेट में जो है, जो हम ईस्ट ओस्ट सिंधु कंसोर्सिया प्रोग्राम है उसके थ्रू, या एनलिस कंसोर्सिया प्रोग्राम है उसके थ्रू कॉलेजेस को एक्सेस मिलता है, इसी तरह से IITs की कंसोर्सिया प्रोग्राम है, और हमारा जो है नेशनल नॉलेज कमीशन जो कंसोर्सिया प्रोवाइड करता है, तो जितनी भी IITs हैं उनके अपने कंसोर्सिया हैं, तो साइंस एंड DST डिपार्टमेंट का अपना कंसोर्सिया है, एग्रीकल्चर ICAR का अपना कंसोर्सिया है, CSIR का अपना कंसोर्सिया। तो इस कंसोर्सिया के थ्रू जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं तो वो हमारे जो है बेसिकली कंसोर्सिया बेस्ड डोमेन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डोमेन। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डोमेन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ NDL की, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सर ने भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डोमेन है, यानी कि पूरा का पूरा जो है इसको फंडिंग जो है गवर्नमेंट के थ्रू होती है, और वो कंसोर्सिया जो है वो तमाम सारे कंटेंट्स को जो है अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने यूजर्स को एक्सेस देता है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बेस्ड डोमेन। अब सपोज कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी जो 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें हम लोगों ने वाइस चांसलर साहब ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हम लोगों की, हम कैसे अपने स्टूडेंट तक पहुंच सकें। तो हमने अपना एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाया, और इस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में हमारे जो अपने कोर्स कंटेंट थे उनके अकॉर्डिंग जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने जो कोर्सेज डेवलप किए हुए हैं या उन्होंने जो कंटेंट डेवलप किए हुए हैं वो सारे के सारे हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के थ्रू एक्सेस देते हैं अपने यूजर्स को। नेक्स्ट आता है, और इसी पर हम आगे का जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू होगा, ओपन एक्सेस डोमेन। ओपन एक्सेस डोमेन दैट इज एक्सेस फॉर ऑल, यानी ये कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, इसके लिए किसी भी तरह की किसी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, या एक सिंपल सी ऑथेंटिक जो है आप अपनी जो है ऑथेंटिसिटी प्रूव करके जो है इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है टाइप्स ही रिसोर्सेज की। नेक्स्ट हमारा जो है ई रिसोर्सेज एक्सेस पाथवे है, कैसे कैसे हम इसे एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस पाथवे जो है हमारा थ्रू IP बेस्ड क्रेडेंशियल है। तो IP बेस्ड क्रेडेंशियल सबसे पॉपुलर जो है एक्सेस पाथवे है। जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं किसी भी पब्लिशर से या किसी भी एग्रीगेटर से, जो भी ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है हमें IP पर एक्सेस दिया जाता है।
जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है हमारा, इंस्टीट्यूशन का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उस पर हमें एक्सेस दिया जाता है, जिसके थ्रू हम अपने यूजर्स को, यानी उस आईपी से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स होंगे या जितने भी लोग उस आईपी पर कनेक्ट होंगे, उन सभी को इसका एक्सेस फ्रीली मिलेगा। इसके लिए किसी तरह की कोई इन्हें लॉगिन या पेमेंट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होता है थ्रू पर्सनल क्रेडेंशियल्स। पर्सनल क्रेडेंशियल्स में कभी कभी यूजर जो है पर्सनल लेवल पर जो है सब्सक्राइब करता है, तो हम उसे एक जो पब्लिशर है या एग्रीगेटर है उसे एक पर्सनल आईडी और पासवर्ड दे देता है, जिसके जिसे हम कहते हैं पर्सनल क्रेडेंशियल्स जो है। नेक्स्ट आता है थ्रू रिमोट एक्सेस क्रेडेंशियल। रिमोट एक्सेस क्रेडेंशियल में हम क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हमारे और इंस्टीट्यूशन, यूजर और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। जैसे सर ने एग्जांपल दिया था इजी प्रॉक्सी, ये इंफॉर्मेटिक्स इंडिया ने जो है डेवलप किया, जो बैंगलोर की फॉर्म है, और वो यह प्रोवाइड करती है हमें, तो हम भी इजी प्रॉक्सी के यूजर हैं। यानी अब रिमोटली जो भी प्रोडक्ट हैं, सपोज हमारी आईपी पर नहीं है, जैसे अभी बच्चे बहुत सारे रिमोट एरिया में थे या इंस्टीट्यूशन में नहीं थे, अपने हॉस्टल्स को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए थे कोविड के दौरान, तो उन्हें हमने रिमोट के एक्सेस के थ्रू जो है इन अपने जो प्रोडक्ट थे, जो सब्सक्राइब प्रोडक्ट थे, उनका एक्सेस दिया। तो ये हमारा कहलाता है थ्रू रिमोट एक्सेस क्रेडेंशियल। नेक्स्ट आता है थ्रू कंसोर्सिया बेस्ड क्रेडेंशियल। कंसोर्सिया बेस्ड क्रेडेंशियल्स में जो है जो भी कंसोर्सिया बना होता है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है कि वो उसके यूजर कौन होंगे, तो उसको देखते हुए उन यूजर्स के लिए वो आईपी पर भी डिलीवर करता है और इंडिविजुअल पासवर्ड भी देता है, इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड। जैसे एनलिस सर्विस जो यूजर हैं उनको देख रहे होंगे, जो भी एनलिस सर्विस यूजर होंगे कॉलेज बेसिस पर, तो उन्होंने देखा होगा कि उनको एक आईडी और पासवर्ड मिला होगा एनलिस के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, तो वो हमारा कंसोर्सिया बेस्ड क्रेडेंशियल कहलाता है। इसी तरह से सोच सिंधु के हम लोग पार्टनर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी उसका पार्टनर है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी को जो उसका एक्सेस जो है कंसोर्सिया के थ्रू मिलता है, और उसके लिए हमें वो आईपी पर हमारे पास में जो है वो एक्टिव है, तो आईपी के थ्रू अब वो आईपी पर एक्टिव होता है, और आईपी पर जो चीज एक्टिव होती है उसे हम रिमोट एक्सेस के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं अपने यूजर को। नेक्स्ट आता है जो लास्ट में जो हम बता रहे थे कि थ्रू ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी पर्सनल नेटवर्क पर, किसी वाईफाई नेटवर्क पर, यानी नेटवर्क की कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल सा कभी कभी क्या है कि आपसे वो ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आपकी कुछ डिटेल मांगते हैं, लेकिन इसके अलावा आपसे ना तो कोई पेमेंट मांगी जाती है और ना कोई इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट बेसिकली देखने को मिलता है कि जिससे आपको किसी तरह का कोई हार्मफुल हो। ये ठीक है, ये बेसिकली ये है, ये वेलफेयर में जो है इस तरह के क्या नाम है कंसोर्सिया डेवलप किए जाते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो है यूज में आते हैं। ओपन एक्सेस ये रिसोर्सेज बेसिकली हैं क्या, मैं इनकी बात करूंगा। ओपन एक्सेस refer to resources that are freely available for viewing and or use. फिर से मैं लाइन दोहरा रहा हूँ, available for view and use. यानी यहाँ पर देखिए उसको आप use कर सकते हैं, देख सकते हैं, utilize कर सकते हैं अपनी research में, लेकिन यहाँ पर अपना input, यानी उसको customization का आपको right नहीं होता है। Open access is not the same as public domain and most open access create to retain their copyright. बहुत सारे जो ओपन एक्सेस हैं उनका अपने कॉपी राइट्स भी हैं कि वो आपको यूज़ करने से पहले उन्हें आपको एक्नॉलेज करना होता है, उन्हें प्रॉपर रेफर करना होता है। नेक्स्ट में ओपन एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूम रैंगिंग फ्रॉम कैपिटली क्लोज सब्सक्रिप्शन परचेज ओनली एक्सेस टू कम्प्लीटली ओपन नो बैरियर पब्लिशिंग। Open access is not related to the quality of material as peer-reviewed, non-peer-reviewed, status of the publication. यहाँ पर एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि वो peer review होगा या non-peer review होगा, वो केवल access आपको मिल रहा होगा और आप अपने से decide करेंगे कि वो information useful है कि नहीं है, आपको use करनी है अपनी research में या नहीं करनी है, ये आपको decide करना होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बता दूं कि ओपन एक्सेस जो है उसमें और ओपन सोर्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ओपन एक्सेस डिफर फ्रॉम ओपन सोर्स और ओपन लाइसेंस इन दैट प्राइमरी यूज ऑफ ओपन एक्सेस मटेरियल विल व्यूइंग और रीडिंग। जो ओपन एक्सेस होगा, एक्सेस फॉर रीडिंग एंड यूज, आप यहाँ पर उसमें इनपुट कुछ नहीं कर सकते हैं कोई भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ओपन सोर्स मटेरियल आर अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लाइनेक्स है, कोहा है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं,
इनमें आप कस्टमाइजेशन का प्रोविजन है, यानी इनपुट कर सकते हैं अपना। तो ओपन सोर्स जो होंगे उसमें कस्टमाइजेशन होगा, लेकिन जो ओपन एक्सेस होंगे उसमें कस्टमाइजेशन नहीं होगा। एज पर योर नीड उसमें कुछ ही आप इनपुट नहीं कर सकते हैं, आपको जैसा है वैसा ही उसे यूज करना होता है। लेकिन जहाँ पर ओपन सोर्स है वहां पर, जैसे मैं आके विकिपीडिया की बात करूँ, तो विकिपीडिया एक तरह का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। वहां पर उस विकिपीडिया को आप भी अपडेट कर सकते हैं, मैं भी अपडेट कर सकता हूँ, तो कोई भी एनीबॉडी ऑफ वर्ल्ड कहीं से भी जो है उसे अपडेट कर सकता है। तो वो ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं अब बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप बुक से लेकर बाकी की सारी चीजें जितनी कंटेंट्स हैं कि कहाँ कहाँ से हम किस किस तरह से जो है इन कंटेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्लेटफॉर्म आता है यहाँ पर, जो बेसिकली ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ई बुक्स के लिए मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं कि ये सभी जितनी साइट्स के बारे में बात करूंगा, तो मैं पहले इस स्कॉलर्स को ये पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी साइट्स के बारे में अब मैं डिस्कस करूंगा वो सभी ओपन फॉर ऑल है। इस पर कोई पेमेंट आपको किसी भी दशा में नहीं करनी, कोई पैसा नहीं खर्च करना होता है। और आप देखेंगे कि करोड़ों से भी ज्यादा किताबें आपके पास में अवेलेबल हो जाती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस पीपीटी को देखने के बाद में या इन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के बाद में आपकी किताब को लेकर कोई क्वेरी रह जाएगी, नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि मैं अक्सर जब भी मेरे पास कोई क्वेरी आती है किसी टीचर की, किसी रिसर्च स्कॉलर्स की, मैं इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ, हमारे पास नहीं अवेलेबल, और वो 99.9% जो है फुलफिल भी हो जाती है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, एनडीएल की बात कर रहा हूँ। ये एनडी बेसिकली नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है इनिशिएशन आईआईटी खड़गपुर ने इसे जो है इनिशिएट किया था पायलट प्रोजेक्ट की तरह, और ये अब सक्सेसफुली जो रन कर रहा है। और यहाँ पर आपको बहुत एक अच्छा बहुत बड़ा कलेक्शन मिल जाता है, इसका यूआरएल भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप अगर नहीं इसको यूआरएल से ओपन करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर एनडीएल टाइप करिए। और पिछली बार के एक लेक्चर में मैंने बात बताई थी कि गूगल पर भी एक फीचर अवेलेबल होता है जिससे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को निकनेम से अगर जानते हैं तो उस निकनेम से, जैसे सपोज कि आप एनडीएल केवल जानते होंगे, उसका iitkgp.ac.in नहीं जानते हैं, उसका पूरा यूआरएल नहीं जानते हैं, तो कोई समस्या की नहीं है। आपको केवल क्या करना है, आपको गूगल पर एनडीएल टाइप करना है, और एनडीएल की सॉरी गूगल की सर्च बटन के नीचे दो ऑप्शन आते हैं, एक सर्च आता है और एक आता है आई एम फीलिंग लकी। तो आपको क्या करना है, आई एम फीलिंग लकी वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेना है। उससे क्या करता है, ये सीधे के सीधे होम पेज, जो भी इंस्टीट्यूशन आप सर्च कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पेज सर्च करना चाह रहे हैं, वो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। बिल्कुल ओरिजिनल पेज आपके पास में होम पेज हो पाता है, जो सजेशंस नहीं देता वो उस कंडीशन में, तो आप डायरेक्टली इसको जो है उस वहां से भी ओपन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस मायने में, यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं इस वर्कशॉप में। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास वन से लेकर और हायर स्टडीज तक का जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है, आप अपने छोटे भाई बहनों को या छोटे जो बच्चे हैं आपके घरों के आसपास उन्हें भी रेकमेंड कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। और इसका फिल्ट्रेशन का तरीका भी है, आप जैसा नीड चाहते, जैसा यूजी का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यूजी फिल्टर लगाकर आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, पीजी लगाना चाहते हैं तो पीजी का भी। और सिंगल विंडो सर्च है, यानी यहाँ से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक साथ ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जो भी आप रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए वेरियस लैंग्वेजेस इन ऑल डिसिप्लिन, जितने भी डिसिप्लिन आप पढ़ते पढ़ाते हैं वो तकरीबन सारे के सारे। ओके सर, आ रहा है अभी, चेंज हो रही है? हाँ ठीक तो है, ठीक आ रही। असल में हाइपर लिंक है कुछ इसके दूसरे जो है साइट्स जो है, इसकी वजह से हो सकता है ना आ पा रहा हो आपके पास में। ठीक है, अब ठीक है सर, ठीक। ये पेज आप देख पा रहे हैं, एनडीएल का पेज आप देख पा रहे हैं?
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया। जी हाँ जी हाँ, इसके बाद में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी एक्सेसिबल है, वो बीच में नेटवर्क का इश्यू रहता है कुछ। जी जी जी, तो मैं कंटिन्यू करूं? यस सर। ओके, ये वन स्टेप प्लेटफॉर्म है, 24/7 जो है एक्चुअली ओपन होता है यूजर्स के लिए, कभी भी फेल्योर नहीं होता है, इसका एक्सेस हमेशा आपको मिलता रहेगा, रात दिन कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और किसी भी तरह की क्वेरीज जो है, मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि जो है इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा इस प्लेटफॉर्म का है कि आप जैसी आपकी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज करके एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, कैसे आपको इसका आइडियल का एक्सेस लेना है? एक्सेस करने के लिए कोई बहुत बड़ा जो है जतन नहीं करना है, सिंपल सा जो है एक्सेस करने के लिए आपको अपना एक क्रेडेंशियल सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं या पर्सनल बेसिस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एनडीएल ने अपने देश भर में सारे में सभी इंस्टीट्यूशन में कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं, तो कोऑर्डिनेटर को एक फैसिलिटी होती है कि वो बल्क रजिस्ट्रेशन एक साथ कर सकता है, तो आपका पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन भी इसमें एक साथ रजिस्टर्ड हो सकता है, जितने भी स्कॉलर्स हैं यूजर हैं वो सभी एक साथ भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसमें रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, ये मेन टाइप्स मैंने बताई हैं, इसके अलावा लेकिन 40 टाइप्स और अवेलेबल हैं। यहाँ पर इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, टेक्स्ट है, पीपीटी, एनिमेशन, सिमुलेशन, ये इतनी टाइप्स अवेलेबल हैं, मोर देन 40 टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी आप जो भी सोचते हैं टाइप की हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट या इस टाइप में चाहिए, तो वो पूरी की पूरी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। यानी आपको बहुत ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं है कि वो हमें उसमें फॉर्मेट चेंज कैसे करेंगे, आप जिस फॉर्मेट में चाहेंगे उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सपोज आपको एक पीपीटी बनाने के लिए बोला गया कि इंस्टेंट आपको जो है अभी एक घंटे बाद कोई लेक्चर देना, डिलीवर करना और पीपीटी आपको बनाना है, तो आप ये देखें कि थोड़ा सा प्राइमरी डेटा आप कैसे मिल सकता, तो वो एक्चुअल में पीपीटी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपको, जैसे अगर आप ई रिसोर्सेज एक्सेस कर पर कुछ बोलना चाहते हैं और ई रिसोर्सेज टाइप करिए और वहाँ पर पीपीटी सेलेक्ट कर लीजिए, आपको पीपीटी सारे बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा खुद का पीपीटी इस पर लोड है। फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो ये मोटा मोटी एक स्टैटिक्स है इसका जो है एनडीएल का, कि कितनी लैंग्वेजेस में कितना कलेक्शन अवेलेबल है। आप देख रहे हैं 70 लैंग्वेजेस में, मोर देन 70 लैंग्वेज में, नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें जो है यहाँ पर अवेलेबल होता है। और जहाँ तक शोध गंगा का पूरा थीसिस बैंक जो है वो भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ दूसरे जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनका भी जो है थीसिस का डेटाबेस अवेलेबल है। ऑडियो बुक, जैसे हमारे बहुत सारे जो विजुअली चैलेंज पीपल्स होते हैं उनके लिए जो है बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख का भी ऑडियो बुक्स जो है अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं 5 लाख के करीब करीब क्लासिकल बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं और क्या नाम एजुकेशनल मटेरियल है, आप किसी भी लेवल का जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। और मल्टीपल सब्जेक्ट डोमेन है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं, साइंस में भी, ह्यूमैनिटीज में भी, एग्रीकल्चर में, यानी कोई कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। तो ये प्लेटफॉर्म की यही एक खूबी है ये बेसिकली इसके। और सबसे एक और क्वेश्चन जो मैं इंटरनेट की बात कर रहा था, रिलायबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी यहाँ पर वेल प्रूव्ड है, कोई रिलायबिलिटी का क्वेश्चन मार्क नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रॉपर होगी, रिलायबल होगी, उसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं, क्योंकि फिल्टरेशन के बाद ही उस इन्फॉर्मेशन को अपलोड किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इजी हैंडलिंग, कोई भी लेमैन अगर थोड़ा सा भी सिस्टम चलाना जानता है तो वो इसे यूज कर सकता है। सिंगल विंडो है, आपको यहाँ से कहीं ट्रांसमिट नहीं करते हैं किसी दूसरे विंडो पर, आप किसी विंडो पर जो है कोई एडिशनल आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का खर्चा नहीं है, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो है अभी जो हमारा ई लर्निंग सिस्टम है उसमें बहुत ही इजिली फिट हो जाता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा ब्राउजिंग पैटर्न था और ये कैसे इसे ब्राउज करते हैं इन प्लेटफॉर्म को, ये मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि हमें लगता है टाइम भी कम है हमारे पास में। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की। ये एक प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो है बुक्स का अवेलेबल होता है जो आपको फ्रीली एक्सेस है, खासतौर से जो लिटरेचर में जो लोग काम कर रहे हैं या क्लासिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्लेटफॉर्म यूजफुल है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। तो एक प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे थे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग में करीब 60,000 किताब जो है अवेलेबल है आपके पास में और ये सभी फ्रीली एक्सेस हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑथोरामा।
तो ऑथोरामा में भी यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस के साथ साथ कुछ जो है किताबें जो है आपको बुक्स जो है ई बुक्स जो है आपको साइंस वगैरह बैकग्राउंड की एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर्स की हमेशा ये डिमांड होती है कि सर हमें इजिली एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, लाइब्रेरी हमारी छोटी है, तो उस कंडीशन में ये बहुत यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा ये birdbree.com है, birdbree.com पर भी जो है आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो रेफरेंस रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप देख रहे होंगे जनरल रेफरेंस पर लाइक इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, थेसॉरस, कोटेशन, वर्सेस। मैंने अक्सर जो हमारे अपने यूजर्स को देखा है, रिसर्च स्कॉलर्स को देखा है कि कोई भी एक वर्ड अगर सर्च करना होता है तो वो यहाँ पर जाते हैं डिक्शनरीज में, जबकि मैं रिसर्च स्कॉलर्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डिक्शनरी और थेसॉरस में डिफरेंस करना सीखिए कि आपको अब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा थेसॉरस एक्सेस करना ना कि डिक्शनरी। तो वो पूछते हैं कि सर थेसॉरस कैसे मिलेगा, हमारी लाइब्रेरी में थेसॉरस नहीं है। तो ये एक फुल प्रूफ प्लेटफॉर्म है birdbree.com, यहाँ पर हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल थेसॉरस आपको मिल जाता है। आप जिस भी डिसिप्लिन में काम कर रहे होंगे उस डिसिप्लिन का थेसॉरस आपको यहाँ पर इजिली एक्सेस हो पाता है। थेसॉरस में एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि वो जैसे सपोज कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, एक एग्रीकल्चर फील्ड का आदमी आर्टिकल लिख रहा है एक लेमैन के लिए, तो लेमैन के लिए जब आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो लेमैन के लिए आर्टिकल लिखते समय आपको जो वोकैबुलरी होगी वो इजी वोकैबुलरी यानी लेमैन की जो समझ सके वो वोकैबुलरी जो है यूज करनी होती है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर आपको ये थेसॉरस जो है ये रिकमेंड करता है कि ये जनरल टर्म है और ये स्पेसिफिक टर्म है। लेकिन अगर इसी तरह से आप अगर एक लिटरली आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी सबमिट कर रहे हैं किसी जर्नल में लिखने के लिए, तो कभी कभी हम वहाँ पर जो वोकैबुलरी है उस वोकैबुलरी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में ये थेसॉरस हमें कंट्रोल करता है कि वो पर्टिकुलर टर्म उस प्रोफेशन का है या नहीं है, तो यहाँ पर थेसॉरस हमें हेल्प करता है। तो इस तरह के थेसॉरस है या कोटेशन वगैरह देखने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा यूजफुल है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शॉट इसका सेव मेरे पास में मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये कुछ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है हमारा द ऑनलाइन, मैं अभी जब तक वो खुलता है तब तक मैं दूसरा डिस्कस कर लेता हूँ। ऑनलाइन बुक पेज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या है। होम पेज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ये birdbree.com का होम पेज है जहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जितनी भी थेसॉरस वगैरह हैं ये आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से इजिली। तो नेक्स्ट है हमारा ये ऑनलाइन बुक पेज जो है, ऑनलाइन बुक पेज पर आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा कलेक्शन जो है तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा किताबें अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल डिसिप्लिन, आप साइंस के हैं, आप ह्यूमैनिटीज के हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं, आप मेडिकल से हैं, किसी भी फील्ड का जो है कलेक्शन आपको मिल जाता है। और जो इनसाइड स्टोरीज होती हैं वो बेसिकली एक अलग कॉर्नर यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, वो भी आपको जो है यहाँ पर मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इस लिहाज से अगर आपके पास बुक की शॉर्टेज है, बुक नहीं मिल पा रही है, तो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत इजीली मिल जाती है आपकी पसंदीदा किताब। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। ओपन एक्सेस डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स पर यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कलेक्शन आप देख रहे होंगे। और ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ की ये है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स की, यहाँ पर लेटेस्ट कलेक्शन बहुत मिल जाता है आपको। आप देख रहे हैं 29,240 बुक्स यहाँ पर अभी अवेलेबल है 387 पब्लिशर्स के थ्रू। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्प्रिंगर, नेचर या बड़े जितनी भी पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स यहाँ पर मिल जाती है। इन बुक को देने का इनका तरीका होता है, जैसे बुक बहुत बहुत पॉपुलर हो रही है, सपोज कीजिए उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बाइबल हो गई वो बुक, तो वो बुक यहाँ पर फ्रीली आपको मिल जाती है। यानी जिसका जितना साइटेशन आया है, जिसमें मैक्सिमम साइटेशन मिल जाते हैं, तो मैक्सिमम साइटेशन वाली बुक को वो यहाँ पर फ्री एक्सेस दे देता है पब्लिशर कंसोर्सिया बेसिस पर, तो वो आपको आसानी से मिल सकती है। मैंने अभी भी हाल ही में एक इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स जो है पार्ट वन पार्ट टू जो है एल्जीवियर की वो बुक थी, मैंने यहीं से डाउनलोड किया है उसे, और बहुत महंगी किताब है, करीबन उसका रेट जो था $120 के करीब करीब था, और वो यहाँ पर फ्री अवेलेबल थे। तो आप भी अपने मनपसंद किताब कोई भी अगर इस तरह से है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ई बुक्स की ही बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन कोर्सवेयर की सर ने भी बात की थी और मैं भी बात करने जा रहा हूँ कि MIT कोर्सवेयर है। अगर आप कोई कोर्स चला रहे हैं और कोर्स रिलेटेड आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, या आप कोई नया कोर्स है, कोई नया कंटेंट आपके कोर्स में आया है,
तो वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है MIT ओपन कोर्सवेयर पर जो है इजिली अवेलेबल होता है, और वो पूरा का पूरा बिल्कुल उसी फ्लो में जैसे आप कोर्स को पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उसी फॉर्मेट में आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स परेशान कर रहा है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है कोर्स का जो नहीं मिल पा रहा, कंटेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन नॉलेज रिपोजिटरी की। ये वर्ल्ड बैंक का जो है एक क्या नाम इनिशिएशन था ओपन नॉलेज रिपोजिटरी, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सब की रिपोर्ट्स या इस तरह की जो फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने जिस भी प्रोजेक्ट को जो है फंड किया हुआ है, उन सब का डेटा यहाँ पर बुक फॉर्म में या रिपोर्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है। आप यहाँ फिल्टर लगाकर अपनी सर्च क्वेरी डाल सकते हैं और उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये ओपन एक्सेस पब्लिशिंग इन यूरोपियन नेटवर्क जो है उसको ओपान कहते हैं हम लोग, और ओपान को एक्सेस करने के लिए सिंपल सा बस जैसे मैंने बताया कि आप वहाँ पे अपना URL भी हमने दे रखा है, URL को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और ये आपको ओपन हो जाता है, और यहाँ पर जितनी भी बुक्स अवेलेबल है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर लाइब्रेरियंस, फॉर पब्लिशर, फॉर रिसर्चर्स, ये तीन पैरामीटर दिए हैं। तो पब्लिशर्स के लिए क्या क्या क्वेरीज होती हैं, लाइब्रेरियंस के लिए क्योंकि हम लाइब्रेरियंस को कुछ थोड़ी सी ज्यादा प्रिविलेज जो है प्रोवाइड कर दी जाती है इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो हम चूंकि उस प्रोडक्ट को इजी वे में या पर्टिकुलर जो भी उसका नीडी है, जो भी जो उसको हिट करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, उसे हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें उसको ज्यादा प्रिविलेज जो है प्रोवाइड की जाती है इस प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट आती है हमारी readprint.com की बात करते हैं। readprint.com जो है ये बिल्कुल पूरा का पूरा आप बुक इस प्लेटफॉर्म पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दूसरे पीछे के प्लेटफॉर्म से उनमें कुछ में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि पूरी की पूरी होल बुक डाउनलोड नहीं हो सकती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जो भी बुक अवेलेबल होगी वो पूरी एज इट इज आपकी डाउनलोड होगी और आप उसे प्रिंट भी करके अपने पास में सुरक्षित रख सकते हैं चाहे तो ये readprint जो है इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बात आती है हमारी फ्री बुक की जो है ebooks.com की। ebooks.com पर भी जो है आपको देख रहे होंगे आप तमाम सारी किताबें जो है इंडियन और अदर जो कंट्रीज की जो है पब्लिशर्स के पब्लिश की हुई बुक्स जो है इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। openlibrary.org ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी आपको जो है बिल्कुल जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जब बुक को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल ये आपको ऐसा फील देता है जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या उनको? हेलो, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अच्छा ओके ओके। तो ये ओपन लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जो है ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो बुक्स हैं जब आप इसे एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लाइब्रेरी वाला फील है। इसको बुक को पलटने का तरीका उसी तरीके से होगा जैसे आप नॉर्मली फिजिकल बुक जो है पलटते हैं यूज करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर फील आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा। अब हम बेसिकली जो पीछे के जितनी भी हमने साइट्स बताई थी वो बेसिकली ई बुक्स के लिए थी, और यहाँ पर अब हम ई जर्नल्स के बारे में, क्योंकि बुक्स के बाद में जो रिसर्च स्कॉलर्स को बेसिक नीड होती है वो ई जर्नल्स की होती है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैं भारत में अगर बात करूँ या इंटरनेशनल लेवल पर बात करूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है, पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता है रिसर्च स्कॉलर की रिक्वायरमेंट को। तो वहाँ पर हमें इस तरह के जो है प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना होता है जिसके थ्रू अगर कोई आर्टिकल है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी फंडिंग उसके पास में नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया में JNU या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की जिनके पास बहुत बड़ी फंडिंग है, लेकिन उनके पास भी पूरे के पूरे कंटेंट नहीं होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी होती है। तो यहाँ पर मैं उन इंस्टीट्यूशंस के स्कॉलर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटे फंड में के साथ सर्वाइव करते हैं, और उन्हें ये सारे के सारे जर्नल्स इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फ्रीली एक्सेस होते हैं। सबसे पहले बात मैं करूँगा DOAJ की, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स की। यहाँ पर जो है आप एक फिगर देख रहे होंगे 10,185 जर्नल्स जो है आज की डेट में फुल टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर फुल टेक्स्ट आपको मिलता है एक्सेस करने के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं न्यूज़ॉर की, तो न्यूज़ॉर जो है ये भी आर्काइव मेंटेन करता है। बेसिकली यहाँ पर आपको लेटेस्ट इश्यूज नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप कोई पुराना आर्टिकल देखना चाहते हैं तो
मतलब करंट जर्नल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ओल्ड जितनी भी आर्काइव है वो जर्नल्स की, मैक्सिमम जर्नल्स की आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर कोई ओल्ड आर्टिकल आप सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप न्यूज और पर जाकर जो है उस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपन जे गेट। जो ओपन जे गेट प्लेटफॉर्म है बेसिकली इसकी बहुत सारी सर्विसेज पेड होती हैं, लेकिन कंसोर्सिया में या इटसेल्फ जो है ये बहुत सारे जर्नल जो है हमें ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है ओपन जे गेट। तो आप देखेंगे ओपन जे गेट पर भी आपको बहुत लेटेस्ट इश्यूज जो है जर्नल्स के वो एक्सेस मिल जाते हैं। अगर आप कोई जर्नल यूज कर रहे हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। PLOS का नाम सुना बहुत सारे साइंस के यूजर ने होगा, साइंस के स्टूडेंट ने, लेकिन PLOS यूज नहीं किया है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेसिकली साइंस का एक्सेस प्रोवाइड करता है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। तो ये आपको जैसे साइंस के अगर आप स्कॉलर हैं, साइंस स्कॉलर हैं, साइंस में कोई चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बहुत ही यूजफुल है। इवन देन नेचर जैसा जर्नल भी आपको यहाँ पर फ्री एक्सेस मिल जाता है, तो यहाँ से आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं PLOS पे। नेक्स्ट है बायोलाइन इंटरनेशनल। जो बायोसाइंसेस के यूजर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। अगर आप बायोसाइंसेस में रिसर्च कर रहे हैं तो बायोसाइंसेस के मैक्सिमम जर्नल्स जो आते हैं वो बायोलाइन इंटरनेशनल में आपको मिल जाते हैं, वो चाहे इंडिया का जर्नल हो चाहे वो फॉरेन कंट्री का जर्नल हो। ये देख रहे हैं आप कंट्री वाइज जो है यहाँ पर जर्नल्स आपको लोकेट होते हैं, बांग्लादेश, ठीक है, ब्राज़ील, चिली, चाइना, तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप कंट्री वाइज भी सर्च करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं केवल आप यूके का जर्नल पढ़ना चाहते हैं, तो यूके का जर्नल आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोमेड सेंट्रल। ये बेसिकली मुझे नहीं लगता है वर्कशॉप में जो है मेडिकल साइंसेज के स्कॉलर नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के होंगे या इस तरह के फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत यूजफुल ये साइट है बायोमेड सेंट्रल। बायोमेड सेंट्रल के थ्रू जो है हम जो बेसिकली जो है मेडिकल साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी के जर्नल्स जो हैं या बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एरिया में जो जर्नल्स आते हैं वो सारे के सारे तकरीबन यहाँ पर मिल जाते हैं, फ्री एक्सेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप सर्च करने का तरीका जो है ब्राउज बाई सब्जेक्ट है और जर्नल ए टू जेड। अगर आपको जर्नल का नाम पता है तो आप यहाँ पर जर्नल को देखें, आप यहाँ पर एल्सेवियर का साइन बना हुआ है, एल्सेवियर के जर्नल्स यहाँ पर एक्सेस हैं, ठीक है। तो एल्सेवियर का जर्नल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ई पर जाकर जो है एल्सेवियर के नाम से जो भी होगा वो मिल जाएगा, और बाई सब्जेक्ट आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से बाई सब्जेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को का नाम भी सभी स्कॉलर्स ने सुना होगा, लेकिन कभी मुझे लगता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने इस लाइब्रेरी को विजिट किया होगा, यूनेस्को की जो लाइब्रेरी है। यूनेस्को की लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये इस लाइब्रेरी में जो है आपको 2.5 लाख से भी ज़्यादा किताबें मिल जाती हैं और जर्नल्स मिल जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी खासियत इस प्लेटफॉर्म की, यूनेस्को ने आज तक का जितना भी पब्लिकेशन किया है, जितना भी यानी फ्रॉम फर्स्ट डे टू एट प्रेजेंट जितना भी कलेक्शन है वो सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस मिलता है आपको यूनेस्को का। हम लोग देखते हैं अक्सर यूनेस्को का कोई पब्लिकेशन है वो ऑक्सफोर्ड ने छापा, कैम्ब्रिज ने छापा, हम परेशान रहते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आप जाकर उसकी ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट जो है, ओरिजिनल जो है रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर यूनेस्को की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ई जर्नल्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नल लाइब्रेरी जो है, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे भी जो है आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉट्स देख रहे होंगे, डॉट जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रेड है यानी वो पूरा का पूरा एक्सेस नहीं मिल रहा होगा, ग्रीन लेकिन फुल एक्सेस होगा, और इसी तरह से एक येलो आएगा या ऑरेंज कलर आता है जो हमको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है। तो ये भी जर्नल जो है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल में भी दुनिया का जितना भी जर्नल है वो सारा का सारा इस पर जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पर उनके एब्स्ट्रैक्ट जरूर देख सकते हैं सभी के सभी, हो सकता है वो फुल टेक्स्ट यहाँ पर उस पर्टिकुलर आर्टिकल का ना मिल जाए। नेक्स्ट आता है हमारा हाईवायर। हाईवायर जो है ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो ओपन एक्सेस पर इस पर इस प्लेटफॉर्म पर भी आप जितने भी जर्नल्स हैं आप देख रहे होंगे, या मोबाइल पर भी है और ऐप भी उसका अवेलेबल है, आप इसको डेस्कटॉप लैपटॉप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। कैम्ब्रिज का जो पब्लिकेशंस है इन्होंने करीब 350 जर्नल्स जो है ये ओपन एक्सेस प्रोवाइड किए हैं कैम्ब्रिज प्लेटफॉर्म पर। ये कैम्ब्रिज का प्लेटफॉर्म है, इसमें से आपको जो ओपन एक्सेस है वो 44 हैं,
जो कैम्ब्रिज के अपने 350 जर्नल्स में से 44 आपको फ्रीली एक्सेस हैं। तकरीबन जो आर्टिकल हैं आप ये फिगर देख रहे होंगे 29150 29,000 आर्टिकल्स जो है अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। टेलर एंड फ्रांसिस, टेलर एंड फ्रांसिस का मैक्सिमम कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो टेलर एंड फ्रांसिस पब्लिश करता है, और टेलर एंड फ्रांसिस ने भी अपना मैक्सिमम कलेक्शन यहाँ पर डालकर रखा हुआ है एक्सेस के लिए। तो अब मैं ये देख रहा था कि ड्यूरिंग कोविड जो है पब्लिशर ने अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि उनका जो बहुत सारा पेड मटेरियल था वो उन्होंने ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस उनके इस इनिशिएटिव को कि उन्होंने इस तरह का इंसेंटिव लिया और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को करके दिया कि ड्यूरिंग कोविड जो है हमारी एकेडमिक जो है वो लाइफ सफ़र ना करे। तो उसके थ्रू जो है यहाँ पर टेलर एंड फ्रांसिस है। एक और बात करता हूँ इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज की। तो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस की अपनी एक लाइब्रेरी है जो ओपन एक्सेस है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बहुत बड़ा एक कलेक्शन बुक्स का और जर्नल्स का दोनों का प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप साइंस के स्कॉलर हैं और मैथमेटिक्स या इस तरह फिजिक्स या प्योर साइंसेस में अगर काम कर रहे हैं और प्योर साइंसेस का कोई पर्टिकुलर जर्नल एक्सेस करना चाहते हैं और नहीं मिल रहा है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूँ, अगर बीच में मैं देर थोड़ा सा टाइम कम हो तो मुझे बता जरूर देंगे। नहीं सर, कंटिन्यू करिए, ठीक है, टाइम है पर्याप्त है। इतना इंफॉर्मेटिव है आपका लेक्चर कि टाइम बढ़ाया जाए वैसे बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक्सास डिजिटल लाइब्रेरी की मैं बात करता हूँ। टेक्सास डिजिटल लाइब्रेरी ये बाहर की लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पर भी आप ये देख रहे होंगे कि ये भी एक आर्काइव मेंटेन करती है। आपको लेटेस्ट इश्यूज तो नहीं हो सकता नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितने भी ओल्ड वर्जन है जर्नल्स के वो सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की जो लाइब्रेरीज होती हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल ये इंफॉर्मेशन है कि अगर इस तरह की वो चीज़ें हैं आपके पास रखते हैं तो ये कभी नहीं कह पाएंगे, कोई भी आपके पास में नैक विजिट हो, कोई भी तरह विजिट होता है तो अगर आप ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह से एक्सेस प्रोवाइड किया है तो आपकी लाइब्रेरी का 1.1 मार्क्स भी कटने नहीं पाएगा, जो अक्सर कट जाया करता है लोगों में। मैं देखता हूं, मैं नैक टीम में अपने आप मेंबर हूं, मतलब जो भी उसका रखरखाव हो रहा है, जो भी नैक के लिए तैयारी हो रही है उसमें भी मेंबर हूं, तो उसमें देखता रहता हूं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है नहीं आएंगी आपके सामने अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ये मेडिकल जर्नल्स के लिए मैं बात करता हूँ। फ्री मेडिकल जर्नल्स हैं। मेडिकल जर्नल्स की इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी का जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है पढ़ा रहा है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो है माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, और इसके साथ साथ बायोलॉजी है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, और कुछ थोड़ा सा जेनेटिक्स का पार्ट भी हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो जेनेटिक्स का अगर कोई जर्नल आप एक्सेस करना चाहते हैं तो, या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई जर्नल है तो वो जर्नल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बेसिकली ये मेडिकल साइंस के लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमारी नीड भी फुलफिल होती है साइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट्स के रूप में। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं प्री मेडिकल जर्नल्स का। प्री मेडिकल के बाद में यह स्ट्रेटेजियन जो है एक और साइट है, स्ट्रेटेजियन पे भी आपको बहुत सारा कलेक्शन मिलता है। ये मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं स्कॉलर्स को, उन्हें लग रहा होगा कि सर बहुत इजिली जो है इन सब चीज़ों को सामने रख रहे हैं, तो ये आज का प्रयास नहीं है, ये दसियों साल की मेहनत हमारी अपनी होती है। जब एक लाइब्रेरियन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को खोजता है सर्च करता है तो उसकी बहुत सारी बड़ी मेहनत जुड़ी होती है उसके पीछे। तो हमें जब ये देख हम पूरी तरह से शाश्वत हो जाते हैं, पूरी तरह से ये हो जाते श्योर हो जाते हैं कि नहीं इस पर हर चीज़ इजिली अवेलेबल है, तभी जाकर हम उसे अपने पीपीटी में डालते हैं। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और इजिली अवेलेबल मिलेंगी। अब ये देख रहे हैं इस स्ट्रेटजन पर जो है बायोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, मेडिकल सॉरी मेडिसिन और साइकोलॉजी के जो है जर्नल्स जो है आपको इजिली मिल जाते हैं, और कोर जर्नल मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है स्प्रिंगर ओपन। तो स्प्रिंगर ओपन, स्प्रिंगर को कोई परिचय का मोहताज नहीं है। स्प्रिंगर के बहुत सारे जर्नल्स जो है पेड जर्नल बहुत कॉस्टली जर्नल्स आते हैं जिससे हमारे इंस्टीट्यूशन परचेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने बहुत सारा फॉर्म जो है ओपन एक्सेस दिया हुआ है इस स्प्रिंगर ओपन के थ्रू। तो स्प्रिंगर ओपन पर भी बहुत सारे जर्नल्स जो है अवेलेबल हैं, उन जर्नल्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पर हम तो अक्सर देखते हैं कि गूगल पर जब हम हिट करते हैं तो वो ये प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई देता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि गूगल पर
आपको जितने भी बार जिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है उसकी हिट काउंटिंग के बेसिस पर वो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करता है, यानी उन्हें उसी ऑर्डर में अरेंज कर लेता है। और इसी वजह से ये स्प्रिंगर ओपन जैसी चीजें जो है उसके बहुत लास्ट पेज पर पहुंच जाती हैं, और जिसकी वजह से यूजर्स को एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इसराइलाइट जो है, मैं इसकी बात करूंगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जर्नल्स जो हैं ये आपको साइंस फील्ड के या मैथमेटिक्स के, बेसिकली ये साइट जो है वो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरा ये काम है कि मैं तो सभी फील्ड को लेकर चलूंगा, मैं ना तो सोशल साइंसेस को छोड़ूंगा, ना तो आर्ट्स को छोड़ूंगा, ना ह्यूमैनिटीज को छोड़ूंगा, और ना मैं मैथमेटिक्स या प्योर साइंसेस को छोड़ूंगा। तो यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की बात करता हूँ, तो जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के यूजर्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का तकरीबन 99% कलेक्शन जर्नल्स का इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी जर्नल यहाँ पर ओपन कर सकते हैं मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट आता है हमारा ई जर्नल्स की ही बात चल रही है, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद में मैं साइंस डायरेक्ट ओपन एक्सेस की बात करूंगा। साइंस डायरेक्ट भी बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, और साइंस डायरेक्ट एक्चुअली ये पेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपना कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट जो है ओपन एक्सेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जो है उसे ओपन एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ओपन एक्सेस अभी कोरोना से रिलेटेड जितना भी इनका कलेक्शन था, जितने भी जर्नल्स थे कोरोना से रिलेटेड, वो कोरोना का जितना भी कलेक्शन था वो सारा का सारा इन्होंने जितने भी प्लेटफॉर्म से उन्होंने ओपन करके रखे हुए हैं, ओपन फॉर ऑल। तो आप यहाँ से अगर बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सफोर्ड ओपन। ऑक्सफोर्ड ओपन भी इसी तरह से जैसे कैम्ब्रिज ओपन था, उसी तरह से ऑक्सफोर्ड ने अपना कलेक्शन ओपन, ऑक्सफोर्ड के अपने जर्नल जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ओपन एक्सेस मिलते हैं। तो आप यहाँ से जो है उसे ओपन एक्सेस यूज कर सकते हैं, जो भी इनके जर्नल्स अवेलेबल हैं ऑक्सफोर्ड ओपन एक्सेस पर। अब मैं तीसरी बात करने जा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट गेटवेज हैं। अभी मैंने बुक की बात की थी और जर्नल्स की बात की थी, अब मैं सब्जेक्ट गेटवेज की बात करूंगा। सब्जेक्ट गेटवेज एक ऐसे गेटवेज हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी बेसिकली वो डेडिकेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम या किसी सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर जैसे मैं पहला बात करूंगा इन्वायरो लिंक, तो अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज बीच में एक सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया कि सभी यूजर्स को पढ़ना है, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, तो इन्वायरमेंटल साइंस पर अगर आपको कुछ भी यानी जर्नल या बुक कुछ भी चाहिए है, तो ये प्लेटफॉर्म इन्वायरो लिंक जो है वो बहुत यूजफुल है। आप इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वाइल्ड लाइफ से पढ़ना चाहते हो और चाहे आप कुछ भी एयर क्वालिटी पढ़ना चाहते हो, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड आपको कुछ भी मिल जाता है जो आप चाहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा copyprint.org पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड हैं, साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंसेज है, लिंग्विस्टिक है, कंप्यूटर साइंसेज है, साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट बेस्ड जो है, आप जब इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप फिल्टर लगाकर पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्राउज बाई सब्जेक्ट है, ब्राउज बाई सब्जेक्ट यहाँ पर डाल के आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट डालेंगे, और सब्जेक्ट डालने के बाद में वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल उस सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड हो जाता है। तो आप यहाँ से सब्जेक्ट फिल्टर कर सकते हैं इस तरह से, जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं। सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिगर भी दी हुई है जर्नल्स की, तो वो फिगर भी आपको मिल जाती है कि कितने जर्नल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा bulbul.ac.uk। ये बिल्बुल इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है लगता है, ये डायरेक्ट ओपन हो रही, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे प्रोवाइड लिंक्स ऑफ ओवर 12,000 इंटरनेट रिसोर्सेज। यहाँ पर जो इंटरनेट रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, वो स्ट्रीम को जो है वहाँ पे एक्सेप्ट करके आपके सामने डिलीवर कर देता है। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रीम सर्च करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर उसमें जाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन में, तो वो यहाँ पर आपको इजिली मिल जाती है। ई प्रिंट नेटवर्क पर जो है ये भी एक तरह का गेटवे है, जहाँ पर आप पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो है जाकर ये ब्राउज बाय डिसिप्लिन आप देखेंगे और ब्राउज बाय डिसिप्लिन को सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको वो डिसिप्लिन वाइज जो है आपको सर्च प्रोवाइड करता है। ये vlib.org भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है। इंट्यूट जो है ये भी आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड इसको बाइफरकेट करने में हेल्प करता है कि आप कोई भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
वॉइस ऑफ सटल जो है ये बहुत अच्छी साइट है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, सपोज ये खासतौर से ह्यूमैनिटीज के लिए डेडिकेटेड है और बेसिकली जो क्लासिक्स हैं या आप हिस्ट्री वगैरह अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट आपको इजिली मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेंडरस, और रेंडरस पर भी इसी तरह का ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। सोशियो साइट जो है ये भी एक साइट है जहाँ पर ये देख रहे होंगे कि आप पर्टिकुलर स्ट्रीम वाइज जो है जो भी सर्च करना चाहते हैं वो आपको स्ट्रीम वाइज सर्चिंग प्रोवाइड करता है। ये गेटवेज हैं, और एक और मैं गेटवे की जो बात करूंगा, सर दीप सर ने भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था शायद, तो ईवीजी पाठशाला। अगर पीजी का स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा रिसर्च स्कॉलर से जरूर हटके है, लेकिन अगर पीजी का स्टूडेंट है और वो तैयारी कर रहा है कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई क्या नाम है नेट की तैयारी कर रहा है और उसे कलेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो ईपीजी पाठशाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर रेडीमेड फॉर्म में आपको कलेक्शन मिल जाता है उन सब्जेक्ट का, करीब मोर देन 70 सब्जेक्ट जो है जो नेट के सिलेबस में खासतौर से शामिल हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कंटेंट जो ऑथर हैं उनके डेवलप किए हुए जो है कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है स्टूडेंट जो है एक्सेस कर सकते हैं वो कंटेंट्स को। नेक्स्ट आता है NPTEL जो सब्जेक्ट गेटवे से सर भी बात कर रहे थे इसके बारे में, तो NPTEL भी जो है आपको बहुत सारे ये जितनी भी IITs हैं, जितनी भी IITs हैं वो सभी जो है आपको ये NPTEL नेटवर्क जो है प्रोवाइड करती हैं। और एक NPTEL जो है ये आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे कोर्सेज जो हैं खासतौर से इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक में, इंजीनियरिंग में या खासतौर से इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड है, और यहाँ पर कोर्सेज मिल जाते हैं। इसी तरह से ये मैथ गाइड जो है, ये मैथ गाइड भी जो है आपको खासतौर से ये मैथ्स जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है और मैथ्स रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब मैं थर्ड फोर्थ में आता हूँ, थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस एंड डिसर्टेशन के मामले में जैसे बच्चे चाहते हैं, अभी सर ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था दीप सर ने, तो उनमें से कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहा हो। मुझे तो आइडिया नहीं था कि सर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है ओपन थीसिस, ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन। यहाँ पर वर्ल्ड की जितनी भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की थीसिस आपको जो है एक्सेस होती है। सोत गंगा के प्लेटफॉर्म पर हम इंडियन थीसिस को एक्सेस कर पाते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल थीसिस जो है आप देख रहे होंगे 11,000 कॉलेजेस हैं यहाँ पर, इसमें कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो है इसकी मेंबर हैं, और जहाँ पर आपको मोर देन जो है 51 लाख थीसिस जो है वो आपको एक्सेस मिलती है। देख रहे हैं बहुत बड़ी फिगर है ये, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट पर काम कर रहा है जहाँ पर इंडिया पे नहीं काम हुआ है और वो देखना चाहता है अब्रॉड कहाँ कहाँ काम हुआ है और वो उस काम को यूज करना चाहता है अपनी थीसिस में, अपने आर्टिकल में, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो जा सकता है। ठीक है, और शोध गंगा के बारे में सर ने डिस्कस किया ही था, तो शोध गंगा पर बेसिकली ये इंडियन थीसिस का रिपोजिटरी है, डिजिटल रिपोजिटरी। तो इंडियन थीसिस जो आती हैं, लेकिन अभी ये पूरी हो नहीं पाई है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये अभी एक मैं देखूं कि इंडियन थीसिस जितनी भी अवेलेबल हैं उनका तकरीबन अभी इस बहुत छोटा टोकन पार्ट ही सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ फंडिंग प्रॉब्लम भी है, कुछ और टेक्निकल इश्यूज भी है। तो लेकिन फिर भी 2009 गाइडलाइन और 2016 की गाइडलाइंस आने के बाद में मैंडेटरी कर दिया गया, और जितने भी अब जो डिपॉजिट जो थीसिस सबमिट करता है उसकी जरूर से जरूर थीसिस इस पर आ जाती है, तो डुप्लीकेशन यहाँ पर आप रोक सकते हैं। इसी तरह से सर ने डिस्कस किया था शोध गंगोत्री के बारे में, शोध गंगोत्री पर आपको जो है उसकी सिनॉप्सिस मिलती है, यानी जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सबमिट नहीं हुआ है लेकिन ऑनगोइंग है, उसकी जो है सिनॉप्सिस यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है ताकि आप डुप्लीकेशन को रोक सकें। और दीप सर ने भी बहुत अच्छा डिस्कशन किया था उसके बारे में, कोई क्वेश्चन भी था शायद मेरे हिसाब से इसके बारे में। और नेक्स्ट है, मैं PQDT की बात करता हूँ, ये प्रोटेस्ट जो है
डिसर्टेशन एंड थीसिस जो है इंटरनेशनल है, इस प्लेटफॉर्म पर ये एक्चुअल में ओपन है, इतना पार्ट जो है इसका ओपन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर ओपन देता है, बाकी का कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो इसके थ्रू भी जो है आप बहुत सारी थीसिस को एक्सेस कर सकते हैं, डिसर्टेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल थीसिस एंड डिसर्टेशन को। एक दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है ओपन थीसिस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो है ओपन थीसिस पर भी आप जो है अपने पसंदीदा जो भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड को डालकर जो है रिसर्च को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अब डेटाबेसिस की बात करूंगा, ये फुल एक तरह से पीपीटी में जो है आपको पूरा एक एक तरह का जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसी तरह से एक फर्स्ट एड बॉक्स है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कि वो किसी भी तरह की क्वेरीज जो है इस पीपीटी के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेसिस की मैं बात करता हूँ तो ये लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का डेटाबेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई भी लीगल से अगर आप काम कर रहे हैं, लीगल पर कोई भी काम कर रहे हैं, तो लीगल का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस होता है। यानी आप कोई केस देखना चाहते हैं, कोई प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं, कोई साइट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट आता है एग्रीस। एग्रीस का नाम सुना होगा, खासतौर से एग्रीकल्चर के लोग जो है उन्होंने जरूर नाम सुना होगा। ये 464 डेटा प्रोवाइड करता है जो एग्रीस का जो प्लेटफॉर्म है। ये भी डेटा बैंक जो है, ये जो भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा चाहते हैं वो सारा का सारा डेटा जो है एग्रीस के थ्रू एक्सेस हो सकता है। आपको सिर्फ अपना फिल्टर लगाना होगा, जो भी आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर डालिए, और डालने के बाद में आप उसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है आईलो स्टैट जो है इंडियन क्या नाम है लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डेटाबेस है। और यहाँ पर जो है आईएलओ का पूरा आईएलओ ने जितना भी काम किया है डेटा अब तक प्रोवाइड किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर कलेक्ट करने के बाद में, आईएलओ से फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट को जो फंडिंग की जाती है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आईएलओ को अपनी कॉपी सबमिट करेंगे और आईएलओ उसको इस प्लेटफॉर्म पर डाल देता है। तो आप आईएलओ से फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर करके एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है स्कॉलर्स के माइंड में कुछ क्वेरीज होंगी मेरे पीपीटी को लेकर, या और जो भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की उससे रिसर्च रिलेटेड वो क्वेरी अपनी डाल सकते हैं। तो सिंह साहब थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। डेफिनेटली सर, देयर सर्टेन क्वेश्चंस विल कम, ऑल्दो आई थिंक योर लेक्चर वाज सो एलैबोरेटेड, so self-explained that such sites that you have quoted, hardly any subject was there, but one student has asked that she is Mamta Baghel, she wants to know about the commerce subject and UGC net related preparation, where to which site she should access commerce ke liye. commerce ke liye hello yes commerce ke liye wo net ki preparation kar rahi hai yes अच्छा, नेट की प्रिपरेशन करने के लिए उसको बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ईपीजी पाठशाला जो है उसका कंटेंट पढ़ सकते हैं। वो ईपीजी पाठशाला पे कॉमर्स का बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, और बिल्कुल नेट का जो सिलेबस यूनिट वाइज सिलेबस जिस तरह से होता है यूनिट वाइज जो है उसे प्रोवाइड किया गया है, तो वो जाकर उसे भी देख सकते हैं आपको ईपीजी पाठशाला पर। और इसके अलावा जो है इसमें जो आईएम के बहुत सारे हेलो जी जी अच्छा यस कंटिन्यू सर हाँ, तो आईएम के जितने भी नेट वो हैं कंसोर्सिया प्रोग्राम है, कंसोर्सिया प्रोग्राम के आईएम के जो कंसोर्सिया प्रोग्राम है उनके थ्रू बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक, वैसे तो नेट के लिहाज से उसे बहुत ज्यादा ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका जो हमारा ईपीजी पाठशाला है वही सफिशियंट है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर कंटेंट उसे नहीं मिल पा रहा है तो वो उस कंटेंट को पढ़ सकते हैं आईएम के जो कंसोर्सिया है। जी सिंह साहब कोई और क्वेश्चन है? सर आई हैव अ क्यूरियोसिटी सर। जी जी सर, मेरी फर्स्ट स्लाइड में आपका जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है सर, जी प्रवीश प्रकाश बीएचयू। जी सर, जी सर दिस इज माय क्यूरियोसिटी, हैव यू आल्सो बीन एसोसिएटेड विद बीएचयू सर? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं लास्ट इंस्टीट्यूशन मेरा जो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है
एक तरह से देखा जाए सातवां इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ। उसके पहले छह इंस्टीट्यूशन और को मैं सर्व कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग BHU, काठमांडू में भी रहा हूँ मैं, नेपाल में और यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारी, और इसी तरह अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, और आपके कॉलेज में भी मैं रहा, सेक्रेटेरिएट में भी रहा, तो कई तरह के इंस्टीट्यूशन है। लेकिन BHU से जो मुझे लगाव रहा, क्योंकि ये मैंने ईमेल वहीं यूज किया था, स्टार्ट किया था, और इसी की वजह से वो BHU उसके साथ लगा हुआ है, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे यादें हैं वहाँ की, जी इसलिए मैंने उसे कंटिन्यू रखा है। सर आई हैव वन रिक्वेस्ट सर, फॉर सर्चिंग सम होम पेज ऑफ सम पर्टिकुलर साइट, ऑप्शन आई एम फीलिंग लकी यू एक्सप्लेन सर, I want you sir to re-explain this one so that my participants can. मैं live दिखाता हूँ इसको live. Yeah yes sir. Okay, live मैं दिखाता हूँ. Useful sir. Searching option. Live दिखाता हूँ. मैं अभी जैसे बात कर रहा था यहाँ पर आप Google लाएंगे. Slide screen देख पा रहे हैं ना? Hello. नहीं sir, हमारी screen पे तो first वाली slide ही आ रही है आपकी sir. अच्छा अच्छा एक मिनट मैं share कर रहा हूँ. शेयर करने में थोड़ा सा वो अब देखिए अब ये शेयर हो रहा है, ये देखिए मैंने शेयर किया, अब स्क्रीन दिख रही है, गूगल गूगल दिख रहा है जी। ओके सपोज मैं जैसे बात कर रहा था NDL की, अब NDL का URL क्या है, आपको सिर्फ सिंपली गूगल यूज कर ओपन कर लेना है, यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया है, आपको क्या करना है यहाँ पर NDL जिसके नाम से फेमस है, अब आपको यहाँ से ये जो सेल्फ जो है सजेशंस आते हैं वो आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली NDL टाइप करना है, और आप ये साइड ये एक ऑप्शन देख रहे हैं ना, आई एम फीलिंग लकी दिख रहा है, यस यस हाँ, आप इसको हिट करते हैं, अब आप देखिएगा जो पहले सजेशंस आते थे साइट्स के वो नहीं आएंगे, ये देखिए होम पेज इसका ओपन हो गया NDL का। तो वर्ल्ड का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आप सर्च करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, तो गूगल इटसेल्फ इस तरह की जो है एक ऑथेंटिक सर्चिंग प्रोवाइड करता है, आप वहां पर जाकर सीधे डायरेक्ट हिट करेंगे और ये उसका होम पेज ओपन हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, सपोज कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बार चेंज हुआ, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी उसके साथ हमेशा जुड़ा रहा, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम ही कानपुर यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से ज्यादा फेमस हुई, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी लिखते हैं, बस स्पेलिंग सही लिखी होनी चाहिए जिस नाम से वो जानी जाती है, और इसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आप हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ये बटन दबाते हैं गूगल सर्च, लेकिन यहाँ पर ये बटन ना दबाकर अगर हम ये बटन यूज करते हैं आई एम फीलिंग लकी, अब क्या होगा, हमने कहीं भी कानपुर यूनिवर्सिटी का URL नहीं डाला, लेकिन देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी का ओपन ओरिजिनल ऑथेंटिक होम पेज आपके सामने ओपन हो गया है, ठीक है। इसी तरह से हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है गूगल का, इसी तरह के करीबन 108 टाइप ऑफ फीचर्स हैं गूगल के जो आपको वो हेल्प करते हैं इस तरह से सर्चिंग करने में, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेरी सर? We have to remember that we are lucky. You are also lucky. जी जी और I think, जी जी yes, yes. ज्योति रत्न कोई पार्टिसिपेंट जो है रेज कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है उनका, तो टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैं और दुर्गेश कुमार, दुर्गेश कुमार ममता बघेल ममता बघेल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ममता बघेल आप सुन पा रही हैं? हाँ
चलिए कोई भी अगर क्वेश्चन उन्होंने लिखा हो तो मुझे बता दीजिएगा, अपने चैट बॉक्स में देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन है। हाँ बघेल जी आदमी सर। हेलो गुड आफ्टरनून सर, सर दिस इज ज्योति रत्ना। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि जो हम फॉरेन जनरल्स जो हैं वो भी सर्च कर सकते हैं और इंडियन भी, क्या हम अपने रिसर्च के लिए फॉरेन मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसा रिसर्च जो हो रहा है अभी प्रेजेंट में व्हिच हैज बीन नेवर टेकन अप बाय द इंडियन रिसर्चर्स, कैन वी टेक अप दैट प्रोजेक्ट और नॉट? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जैसे हमारे यहाँ शोध गंगोत्री है, हमारी अपनी कंट्री का शोध गंगोत्री प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये कंट्री वाइज देखना होगा क्योंकि अभी तक सभी कंट्री ने ज्वाइंटली मिलकर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म अभी तक मेरी नॉलेज में डेवलप नहीं किया है जिससे आप पूरे इंटायर वर्ल्ड को एक साथ फिल्टर कर सकें। तो और बहुत जल्दी आप ये इनिशिएशन चल रहा है गवर्नमेंट लेवल पर कि इस तरह का एक एंटायर जितनी भी कंट्रीज जो रिसर्च प्रोड्यूस करती हैं उन सभी को एक साथ जोड़ा जा सके। लेकिन आप जितनी जिस भी कंट्री का रिसर्च देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कोई रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सभी कंट्रीज जैसे हम शोध गंगा या शोध गंगोत्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो सभी कंट्रीज इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं उसके फिल्ट्रेशन के लिए और वो अपडेट भी है। तो आप उस कंट्री वाइज आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर, वर्ल्ड लेवल पर एक साथ कोई नहीं अवेलेबल है अभी फिलहाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। Any other question? Thank you, sir. I think this library combo it was a perfect thing for all the participants. Is Mamta Baghel? Sir, आप सुन पा रहे हैं? Good afternoon. हाँ, पानी बतला रही हूँ, आप बंद करो है। जी, बोलें। कौन से बोले? सर मैंने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन बैंक में मैंने डाली हुई अपने क्वेश्चंस, मुझे यूजीसी नेट के कॉमर्स 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे कुछ चाहिए प्रॉपर, तो क्या वो अवेलेबल हो पाएगी कहीं पे? बेटा ईपीजी पाठशाला पर अवेलेबल है सर, बट ईपीजी पाठशाला पर अलग अलग टॉपिक्स मिल रहे हैं, जैसे पेपर 1 के लिए हमें पूरा एक पेपर्स के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ही अवेलेबल है। और दूसरा जो है स्वयं प्रभा पर भी आपको अवेलेबल है इस तरह का कंटेंट जो है, इग्नू का जो चैनल है स्वयं प्रभा सर, आप मैंने सर्च मार के देखा था उस चैनल पे भी नहीं है, अवेलेबल है स्वयं प्रभा पर भी। हाँ जी सर, अगर पॉसिबल है तो प्लीज दिखा दीजिए। क्या देखना चाहते हैं आप, बताइए स्ट्रीम, बताइए वो बताइए टॉपिक। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट का। हां हां, डेढ़ भी बोल बेटा, मैं वही तो बता रहा हूँ, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्वयं प्रभा पर आपको ये देखिए सिलेबस में क्या चीजें हैं क्या नहीं, आपको कंटेंट का कीवर्ड जनरेट करना होगा आपको खुद, और कीवर्ड डालकर आप कीवर्ड अगर आपको ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, तो आप इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सर टॉपिक वाइज ही वो डालना पड़ेगा, कीवर्ड अवेलेबल हो पाएगी।